आकर 2 मिनट ये बताएगा कि वो इस घर का विलन क्यों है और उसे सुधरने की जरूरत क्यों है। ऐसे अच्छा अच्छा सिचुएशन बिग बॉस मुझे चूज करते हैं। आज ये विलन आज आओ 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 अच्छा बेबी का चल जाओ अभी गेम करो। हाँ ही चूज यू। ओह तुम देखो एक होता है विलन दीदी हमारी है मॉन्स्टर खुद ही हंस रहा है। मैं जिसको हंसना होगा वो बाहर हंसेंगे। देखो ये पहली विलन है बिग बॉस के घर में। ये इनके एक तरीका रहा है दुश्मनी निकालने का। ये पहले आपको दोस्त बनाएंगे ठीक है, फिर आपसे फेस रीडिंग करके आपकी पाम रीडिंग करके प्यारी प्यारी बातें करेगी कि भाई तुमसे अच्छा इंसान कोई नहीं है, तुम क्यूट हो, तुम प्यारे हो, बिल्कुल नहीं, तुम्हारा बहुत ऊंचा जाना लिखा है, बिल्कुल नहीं। फिर इनको कोई बात लगेगी बुरी दिल पे क्योंकि आपने इनकी हाँ में हानि मिलाई, आपने इनकी ना में ना नहीं मिलाई। इनका दोस्त आपका दोस्त होना चाहिए, इनका दुश्मन आपका दुश्मन होना चाहिए। फिर ऐसा सिस्टम है कि भाई आपने आप अगर बेबी का जी को फॉलो नहीं करोगे आंख बंद कर करके तो आप उनके दोस्त नहीं बन सकते। तो जहां आपकी डायरेक्शन हटी तो अगली मीटिंग में फेस रीडिंग चेंज, पाम रीडिंग चेंज, आप अच्छा इंसान नहीं रहे। आपको एक्सेप्ट नहीं करना आता। देखिए आपका काम है चुप रहने का, आपको एक्सेप्ट करना नहीं आता। तो ठीक है अब हो गया, अब आपकी दुश्मनी हो गई। तो अब फेस रीडिंग चेंज, पाम रीडिंग चेंज, अब आप पहले आप क्यूट थे, अब आप मैले हैं। आपकी आपकी तो सोल ही खराब है। आप डिजर्व नहीं करते बिग बॉस में रहना, क्यों? क्योंकि अब आप इनके दुश्मन हैं। अब किसी को भी उठा लो, पहले इन्होंने मुझे दोस्त बनाया, मुझे ही पीछे खंजर मारा, मैंने खंजर फलक मारा? जी को ले लो, दोस्त बनाया खंजर मारा, अविनाश जी को देख लो, आई रिस्पेक्ट दैट मैन, आई रिस्पेक्ट यू। और फिर रिस्पेक्ट को मारी लात साड़ी जो ही वो गई रिस्पेक्ट। फिर हमारी मनीषा जी को देख लो, तू तो मेरी सखी है रे, उनको भी लात मारी। फिर जिया, जिया को तो शायद स्टार्टिंग से लात मारी थी उसको। जैद, जैद एक ऐसा इंसान है शायद उसकी घर में किसी से लड़ाई नहीं हुई, वो इतना प्यारा इंसान है, दिल का इतना साफ है, पर